हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स कंसेप्ट विद रीना। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो 3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। एक दिन तो रक्षाबंधन की मैंने छुट्टी, मतलब छुट्टी सोच रखी थी, लेकिन 2 दिन मैं ले नहीं पाई थी, कुछ काम था तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हमारी फिर से क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ाया था, लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपको ये दोनों, कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी और लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी, वो आपको समझ में आई होगी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे लीडर प्राइसिंग पॉलिसी एंड मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीन्स, एक बार मैं आपको कॉपी पे समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बुक में से रीड करवाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे बहुत सारी फर्म्स हैं मार्केट में, बहुत सारी फर्म्स हैं, ठीक है ना? लेकिन एक फर्म है, एक ऐसी फर्म है जो लीडर है सबकी, इन सबकी, ये वाली फर्म लीडर है, ठीक है ना? तो ये लीडर है तो ये ही ज्यादातर यहाँ पे डिसाइड करती है प्राइस को, मींस इसी का ज्यादा बोलबाला चलता है, ठीक है? ये एक तरह से लीड करती है सब फर्म को, ठीक है? तो इसमें यही है लीडर प्राइसिंग पॉलिसी में। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, द बिजनेस फर्म हु वॉन्ट टू प्रेजेंट इटसेल्फ as pioneer in the industry, that is leading firm of the market, takes the initiative in fixing the price and other firms follow it. देखो यहाँ पे जो लीडिंग फर्म है, जो लीडिंग फर्म के जो हम बात कर रहे हैं, देखो जो लीडर है वो ऐसे नहीं बन जाता है, ठीक है ना? आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके कॉलेज में या आपके स्कूल ने प्रोजेक्ट दिया है और वहाँ पे ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप में पांच पांच बच्चे हैं और उन हर ग्रुप का एक लीडर होगा। तो लीडर उसे चुना जाता है जिसमें वो पोटेंशियल होती है कि वो सबको कोऑर्डिनेट करके चल पाए, सबको इकट्ठा लेके चल पाए, एक तरह से टीम को लीड कर पाए। तो यहाँ पे भी कोई भी फर्म ऐसे ही लीडर नहीं बन जाता, यहाँ पे उस फर्म को लीडर बनाया जाता है जिसमें वो पोटेंशियल होती है, ठीक है ना? और जिस फर्म में, और ये भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि हम ऐसी फर्म को लीडर बनाएंगे जो जो सारी फर्म्स है वो उसकी बात सुनेंगी भी और कॉपरेट भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो लीडिंग फर्म होती है वो यहाँ पे प्राइस को फिक्स करती है और जो अदर फर्म्स होते हैं, जो बाकी की फर्म्स होती हैं, उसको फॉलो करती है, ठीक है? This is generally adopted in oligopolistic market condition where there are few seller and these product are identical. आपने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट का। ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट होते हैं, परफेक्ट होता है, इनपरफेक्ट मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होते हैं, बहुत सारे मार्केट होते हैं। वो हम, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, जब मैं भी आपको वो पढ़ाऊंगी, तो ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत कम एक तरह से सेलर्स होते हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत कम फर्म्स होती हैं जो कि सामान को बेचती हैं, लेकिन बायर्स तो ज़्यादा होती ही होते हैं, लेकिन जो फर्म्स हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है? और फर्म भी कम होती है, प्लस जो वो सामान बेचते हैं वो आइडेंटिकल होता है, मींस अगर कोई कुछ सामान बेच रहा है, फॉर एग्जांपल एक फर्म है वो कुछ, मतलब वो कपड़े बेच रही है, तो दूसरी भी जो फर्म है वो कपड़े बेचेगी, तो इसके भी कपड़ा, इसका भी कपड़ा, दोनों का कपड़े का जो टेक्सचर है, जो स्टाइल है, वो लगभग बहुत ज्यादा आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है ना? तो लीडर प्राइसिंग पॉलिसी यही होती है जहाँ पे एक फर्म लीड करता है, एक लीडर होता है, वो प्राइस डिसाइड करता है, बाकी की फर्म उसको फॉलो करती है। सेकंड इज मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी। मोनोपोली मार्केट कंडीशन या मार्केट स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, टोटल चार होते हैं शायद, हाँ चार, परफेक्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली होता है, ऑलिगोपोली, ठीक है ना? ये चार मेन टाइप्स होते हैं मार्केट के। तो यहाँ पे तो ऑलिगोपॉलिस्टिक, ये वाली जो लीडर प्राइसिंग पॉलिसी होती है वो ये ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में फॉलो अप की जाती है, लेकिन मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी एक अलग प्राइसिंग पॉलिसी है जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में ज़्यादातर फॉलो करती है फर्म।
मोनोपोली का मतलब होता है एक, मींस यहाँ पे एक फर्म ही होती है पूरी मार्केट में, एक ही कंपनी होती है जो कि वो चीज प्रोड्यूस कर रही होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन क्यों होगा? क्योंकि जब मतलब क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म है जो उस चीज को बना रही है और कोई फर्म नहीं है जो उस चीज को बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी इज अडॉप्टिव वेयर वन कंपनी हैज सिंगल हैंड इन कंट्रोल ओवर द एंटायर सप्लाई। एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है जो कि एक चीज को प्रोड्यूस करती है, उसी का बोलबाला चलता है पूरे बाजार में। दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली वन सेलर। बहुत सारे बायर्स हैं, बायर्स तो बहुत सारे होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर एक ही है जो वो जो उस सामान को बेच रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट इज यूनिक एंड विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। प्रोडक्ट यूनिक है और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकानदार उस सामान को बेच रहा है और कोई दुकानदार उस सामान को नहीं बेच रहा, और उसकी वजह से। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कपड़ा ले लेने गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कुर्ती लेने गई हूँ, ठीक है, मेरा मन था कि मैं कॉटन की कुर्ती लेके आऊंगी, तो मुझे कॉटन की नहीं मिली, तो मैं रेयॉन की या सिल्क कपड़े की मैं कुर्ती लेके आ गई, ठीक है। तो मेरे पास ये था कि मैं कॉटन की जगह सिल्क की कुर्ती ले सकती हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है। आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा टी कॉफी, ठीक है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवाऊंगी। द कॉम्पिटिशन इज टोटली एब्सेंट एंड द सेलर हैज अ फ्री हैंड इन फिक्सिंग द प्राइस। कॉम्पिटिशन तो मार्केट में है ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन एब्सेंट है, और जिस वजह से क्या होता है, एक ही फर्म है, एक ही सेलर है, तो उसका पूरा कंट्रोल प्राइस पे रहता है। वो चाहे बढ़ाए, वो चाहे कम करे, और वो कम क्यों करेगा, वो तो सिर्फ बढ़ाएगा। उसको पता है कि मेरी दुकान पे ये वाला माल मिलना है लोगों को, तो लोग लेंगे भी। देखो, जरूरत है तो लोग लेंगे भी, तो ये चाहे कितना भी प्राइस को हाई कर ले मोनोपोली, लेकिन लोग लेंगे ही इससे, क्योंकि उन लोगों की मजबूरी है लेना। तो ये मोनोपोली जो फर्म होती है वो अपने हिसाब से सब कुछ करती है, अपने हिसाब से प्राइस को सेट करती है। वो ज़्यादातर हाई प्राइस ही सेट करती है क्योंकि उसको पता है कि ये वाला माल कहीं मिलना नहीं है और मुझे ही बेचना है, तो क्यों ना मैं इनको अच्छे दामों पे बेचूँ और अच्छा प्रॉफिट कमाऊँ, ठीक है। मोनोपोली प्राइसेस आर जनरली कंसिडर्ड एज हाई प्राइसेस, वही मैंने आपको बताया। तो वो कम प्राइस क्यों बनाएगा, वो तो हाई प्राइस में ही अपना सामान बेचेगा ना, क्योंकि वो एक ही सिंगल फर्म है जो उस प्रोडक्ट को बेच रही है, तो वो नुकसान क्यों करेगा अपना। उसको तो ये लगेगा कि जितना भी मैं अपना एक तरह से प्रॉफिट कमा सकता हूँ वो मैं कमाऊँ, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जहाँ पे मैंने आपको लीडिंग प्राइसिंग पॉलिसी और मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी समझाई। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ कल को, तो तब तक के लिए बाय।